और चलिए, हर खबर ने एक मुहिम छेड़ी है क्योंकि दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यूक्रेन में छात्र लगातार डरे हुए हैं तो दूसरी तरफ प्रदेश में भी चिंता लगातार बनी हुई है। हम कल से आपको बता रहे हैं कि करीब 2000 बच्चे हरियाणा के ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इस पूरे मामलों को लेकर हम पल पल की जो अपडेट है वो आप तक हम बता रहे हैं क्योंकि हर खबर ने ठाना है अपनों को वापस लाना है और इसीलिए हम हर पल की जो जानकारी है इस मामले से जुड़ी आपको हम दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से 2000 से ज्यादा छात्र ऐसे हैं हरियाणा के जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके जो परिजन हैं खुद वो बच्चे लगातार सरकार से, हरियाणा सरकार से, केंद्र की मोदी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी वतन वापसी सुनिश्चित की जाए, उनको वतन वापस लाया जाए क्योंकि तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन ये यहां पर हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिर यूक्रेन में जो भारतीय छात्र हैं वो किस लिए गए हुए हैं। और चलिए मंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूक्रेन से लौटे जो छात्र हैं उन्हीं में से एक हैं। मंजीत फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं हर खबर पर। मंजीत स्वागत है आपका हर खबर पर। हेलो अंजी, नमस्कार। जी नमस्कार मंजीत जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आप हमें ये बताइए क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हालात बहुत ज्यादा टेंस हैं, तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए ऐसे हालात नहीं है कि अभी यूक्रेन में रहा जा सके। आप वहां से लौटे, आप ठीक से बता पाएंगे स्थिति है क्या वहां पर? वहां पे जैसे क्लासेस वगैरह तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है, नॉर्मल जैसे कि लोग रहते हैं वैसे ही अभी रह रहे हैं जी। तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ऐसा हो कि मतलब बच्चे बस ऐसे ही इंडिया, ये जो पेरेंट्स वगैरह चिंता हो रखे हैं तो इसीलिए बच्चे भी टेंशन लेते हैं वहां पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप कब लौटे हैं मंजीत वहां से, कितना समय हो गया आपको? मैं, मेरे को करीबन एक महीने से ऊपर हो गया। एक महीने पहले आ गया था। हाँ जी जी, यानी क्योंकि इस पूरे मामले को देखा जाए तो जो तनाव है वो लगभग दो महीने के करीब हो गए इस तनाव को बने हुए। तो क्या इस तनाव की वजह से आप लौटे थे या फिर कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो विदेशों से अपने घर वापस लौटे हैं? आप नहीं, मैं उसके मैं चक्कर तो, में वापस लौटे तो विंटर हॉलीडेज हो गई थी तो मैं विंटर हॉलीडेज में आया था घर पे जी। उसके बाद आप वापस नहीं गए? हाँ जी नहीं। और उसका कारण यही है कि वहां पर जो तनाव बना हुआ है लगातार उसकी वजह से आप वापस नहीं जाना चाह रहे? हाँ जी हाँ जी। तो वहां पर आपके और भी दोस्त होंगे जो भारतीय यहां पर पढ़ रहे होंगे, जो छात्र होंगे, उनसे आपकी लगातार बात भी हो रही होगी, क्या कह रहे हैं वो, क्या बता रहे हैं वहां के हालात? कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं है भाई, अपने आराम से नॉर्मल क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस लगे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं जी। यानी क्लासेस चल रही है प्रॉपर और वो भी ऑफलाइन? हाँ जी ऑफलाइन। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं और अभिभावक छात्रों से ज्यादा जो उनके पेरेंट्स हैं वो ज्यादा, बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं कि भाई हालात ठीक नहीं है और ऐसे में बच्चों को भारत वापस लाना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, ये तो पेरेंट्स यहाँ पे जो भी न्यूज वगैरह देखते हैं उनमें जो दिखाया जाता है तो उनकी जैसे वरीड होते हैं। बाकी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पे जो चल रहा है वहाँ पे वो नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल क्लासेस, नॉर्मल लोग वैसे जैसे पहले जीते थे वैसे ही जी रहे हैं। हाँ जी। लेकिन मंजीत मैं यही जानना चाहूंगा आपसे क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि जैसे जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो मीडिया में दिखाया जा रहा है और वास्तविकता जो वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आपने बताया कि आपके तमाम ऐसे दोस्त हैं जिनसे आप वहां पर बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे पूछ भी रहे हैं कि भाई कैसे हाल आते हैं वहां पर, क्या वाकई में जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कुछ ऐसा है भी या नहीं है, तो वो क्या कहते हैं इस बारे में? वो कहते हैं कि कुछ नहीं है यार, नॉर्मल है सब कुछ, यहाँ पे नॉर्मल क्लासेस लग रही है, नॉर्मल है, कोई हमें रोक टोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नेट वगैरह ऐसे बोल रहे कई मीडिया की नेट बंद कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जैसे हम पहले जीते थे वैसे जी रहे, हम बिल्कुल फ्री हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहां जाते हैं बस। यानी जितने भी बच्चों से या जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे जो बात आपकी हुई है उनमें से एक भी आपका ऐसा नहीं लगा जो कहता है कि नहीं जी हमें डर लग रहा है वैसे में, जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ रहा है वापस आना चाहते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं कह रहे, बाकी और कह रहे हैं कि फ्लाइट फेयर महंगे कर रखे हैं तो कुछ एक पेरेंट्स वरीड है, वो बच्चों को बोलते हैं भाई आ जाओ तो वो लोग बोलते हैं पेरेंट्स बोल रहे हैं तो हमें तो अब कई कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्लासेस भी ऑफलाइन है तो वो समझाते हैं किन के पेरेंट्स नहीं मानते वो बुला लेते हैं बच्चों को। शुक्रिया आपका मंजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो कालका से संभालखा में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।